हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया जब जन्नती जन्नत में और दोजख़ी दोजख़ में दाखिल हो जाएंगे अल्लाह पाक फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोजख़ से निकाल लो तब ऐसे लोग दोज़ से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे उस वक्त वो दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है सही बुखारी हदीस नंबर बाईस अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक वक्त सो रहा था मैंने ख़्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था सहाबा रज अल्ला तौला ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इसकी क्या ताबीर है आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है सही बुखारी हदीस नंबर तेईस